सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की OEM की यानी कि प्री इंस्टॉल्ड की जो आपके नए लैपटॉप या फिर नए डेस्कटॉप जो आप अपना कंपनी मेड लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं उसके साथ जो प्री इंस्टॉल्ड विंडोज आती है उसकी एक जो प्रोडक्ट की होती है ओरिजिनल प्रोडक्ट की, उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको एक छोटा सा मेथड मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट आप गूगल पे जाएंगे और एक ऐप सर्च करेंगे, ठीक है, और उस ऐप का नाम है शो की प्लस। एक थर्ड पार्टी ऐप है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको जस्ट ये ऐप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी है। इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पे गेट एन स्टोर ऐप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ऐप आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी, या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर भी जाकर आप इस ऐप को सर्च कर सकते हैं जिसका नाम है शो की प्लस, ठीक है। कोई सा भी प्रोसीजर अपना लीजिए, डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर लीजिए या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे चले जाइए, जहाँ पर भी जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहें जस्ट आप इंस्टॉल करेंगे और डायरेक्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। फ्री ऐप है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद जस्ट आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ही आपको देगा, ठीक है। जो मेरा करंट सिस्टम है, जो करंट डेस्कटॉप है, इसमें OEM की यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये जो सिस्टम है मेरा असेंबल्ड सिस्टम है, इसमें विंडोज मैंने अलग से इंस्टॉल करी, इसलिए इसके फर्मवेयर में कोई भी विंडोज इंस्टॉल नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम लिखा आ रहा है विंडोज 11 प्रो, प्रोडक्ट आईडी, बिल्ड वर्जन, इंस्टॉल्ड की, कौन सी की इस वक्त इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में वो लिखा आ रहा है। देन OEM की में मुझे लिखा रहा है OEM की नॉट प्रेजेंट इन फर्मवेयर। ओके, अगर मैं बात करूं अपने लैपटॉप की, यहां पर मेरे पास एक लैपटॉप भी है, HP का लैपटॉप है। ये जो लैपटॉप है इसमें OEM की इंस्टॉल आई थी जब मैंने ये सिस्टम परचेज किया था, यानी कि जब मैंने ये लैपटॉप परचेज किया था तो इसमें होम एडिशन की विंडोज 10 की प्री इंस्टॉल्ड आई थी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कई बार इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर चुका हूँ, विंडोज 11 भी इंस्टॉल कर चुका हूँ, विंडोज 10 भी इंस्टॉल कर चुका हूँ, 7 भी इंस्टॉल कर चुका हूँ, बार बार रीफॉर्मेट कर चुका हूँ, लेकिन वो जो OEM की है इसके फर्मवेयर में BIOS में इंस्टॉल्ड है। तो हमें अब उसे रिट्रीव करना है, उसे वापस से रिकवर करना है। कैसे करेंगे? इसी ऐप की हेल्प से करेंगे। अब मैं आपको ये ऐप अपने इस लैपटॉप में चला के दिखाता हूँ। तो जब मैंने ये ऐप अपने इस लैपटॉप में चलाई और जब तो आप देख सकते हैं शो की प्लस मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ और यहाँ पे जो डिटेल मेरे सामने आई वो आप भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट नेम विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज, प्रोडक्ट आईडी, बिल्ड वर्जन, इंस्टॉल्ड की, कौन सी की इंस्टॉल्ड है, और ये OEM की है हमारी, और OEM एडिशन यहाँ पे लिखा रहा है विंडोज 10 RTM एडिशन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में फर्मवेयर में OEM की इंस्टॉल्ड है तो हम उसको रिकवर रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर फर्मवेयर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, BIOS के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तो हम उस की को रिट्रीव कर सकते हैं। आई होप कि जो जानकारी है उन सभी यूजर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी जो भी अपने प्री इंस्टॉल्ड विंडोज की को, जेन्युइन विंडोज की को रिकवर करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं। ये क्वेरी हमारे पास आई थी इंस्टाग्राम पर, प्रियांशु ने हमसे पूछा था, क्योंकि प्रियांशु ने अपने लैपटॉप में यूज करते थे विंडोज 8.1। उन्होंने जब टेक्नीशियन को यानी कि बाहर अपना लैपटॉप रिपेयर करवाया तो उन्होंने वापस से उसमें नई विंडो इंस्टॉल कर दी, जिसके बाद उन्होंने KMS से उस विंडो को एक्टिवेट कर दिया। तो वो चाहते थे कि वो अपनी OEM की रिकवर कर पाएं, तो वो इस मेथड के द्वारा रिकवर कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो उनकी हेल्प जरूर करेगा। इसी तरीके से अपने सवाल इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, जगह जगह पूछते रहिए। एक दिन में जितना पॉसिबल हो पाता है उतने रिप्लाई मैं कर देता हूँ। जिनको अभी तक रिप्लाई नहीं मिल पाया उनको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखें। वीडियो से लगाओ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।